लास्ट 5 सीन्स ऑफ द फिल्म शी डिडंट हैव एनी डायलॉग। पूरा प्रोग्राम में प्रीति उसका नाम रखा है, प्रीतम सिंह है। बहुत सारे ऐसे राज खोलने हैं जो प्रीति ने आज तक किसी को बताए नहीं थे, और जो प्रीति को भी नहीं मालूम कि हमको मालूम। हम ऊपर बैठे हुए थे तो वी सॉ ऑल दीस गुड लुकिंग गाइस कम, सो वी रैन डाउन एंड वी वर लाइक ऑल इन द पार्टी। भाई मैंने ये सुना था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जान निकल गई लेकिन ये खाई नहीं गई। ये गिनेस बुक वालों को मैं भेजने वाला हूँ इसका क्लिप, क्योंकि दुनिया की पहली औरत ऐसी है जो स्कीइंग करती है नाइटीज। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तो मैं दावत देता हूं यहां आने के लिए प्रीति जिंटा को। बहुत सारे ऐसे राज खोलने हैं जो प्रीति ने आज तक किसी को बताए नहीं थे, और जो प्रीति को भी नहीं मालूम कि हमको मालूम। क्या ये सच है नील प्रभा जी कि प्रीति जो है इंतहाई शरारती लड़की थी? बहुत नॉटी थी और बिल्कुल टॉम बॉय जिसको बोलते हैं। दोनों भाइयों के साथ ये बिल्कुल दादागिरी करती थी। एक बारी स्कूल जा रही थी तो मेरे बड़े बेटे का और एक लड़के का झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो ये राधा धन के वो चुप बैठे, इसने उठ के छोटे से इतने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया कि मेरे भाई के साथ लड़ता है, मेरे भाई को मारता है। जब मैं छोटी थी तो मैं कभी भी रोती थी तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम राजपूत नहीं हो, तुम राजपूत की दुम हो, क्योंकि राजपूत रोते नहीं है। तो मैंने पटाक करके उसको एक थप्पड़ मार के बोला कि तुम राजपूत नहीं हो, रोना बंद करो। तो ही स्टॉप क्राइंग, तो उसका खून निकल रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर जब मॉम आई तो फिर मुझे पता था कि मेरी अभी धुलाई होने वाली है, इसलिए मैं टेबल के नीचे छुप गई। क्योंकि शगुन की शादी हुई थी तो इट वाज द बिगेस्ट हाई पॉइंट इन माय लाइफ। 12 दिन तक शादी चली थी तो कभी संगीत, कभी मेहंदी, कभी चूड़ा। एंड अरविंद के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे लंदन से, अमेरिका से, इटली से। मुझे क्या कर, इन्होंने हमको बोला आप हमारे साथ एयरपोर्ट चलो उनको पिकअप करने। तो हमने कहा नहीं नहीं हमको नहीं आना। फिर हम ऊपर बैठे हुए थे तो वी सॉ ऑल दीस गुड लुकिंग गाइस कम, सो वी रैन डाउन एंड वी वर लाइक ऑल इन द पार्टी। भाई ऐसा हुआ था कि मार्गरेट ने जो है कुछ प्रीति से एक दिन कहा था कि अपनी दिल की सारी अंदरूनी ख्वाहिश जो है जो आप किसी और को नहीं बताएंगी और सिर्फ मुझे बताएंगी, और मैं भी कम से कम 10 साल तक किसी और को नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें मुझे लिख के बता दीजिए। तो उसमें से सिर्फ 3 मासूम सी चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हाट वुड यू हैव इंस्क्राइब्ड ऑन योर ग्रेवस्टोन, मतलब आप जहां पूर्ण विश्राम के लिए लेटेंगी वहां जो आपके नाम का पत्थर लगेगा उस पर आप क्या खुदवाना चाहेंगी? प्रीति ने क्या लिखा? कम वन कम ऑल बट ओनली हैंडसम हल्क्स। भाई मैंने ये सुना था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जान निकल गई लेकिन ये खाई नहीं गई, ओनली हैंडसम हल्क्स। इसका क्या मतलब है भाई? नहीं, मैंने नहीं लिखा है। अरे आपके हाथ में लिखी हुई दिखाई है, हमारे पास मौजूद है। योर फेवरेट मोटो, आपका फेवरेट मोटो क्या है? प्रीति जी ने लिखा, लाइफ इज टू शॉर्ट टू डांस विद अगली गाय। ये इनका फेवरेट मोटो था। डिस्क्राइब योर रियल हंक, आपने सबसे मतलब खाबों के राजकुमार का डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैं उसको 11 साल में आपके। जी प्रीति से पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी घुंगरू में, जो मौर्य शेरटन में डिस्को है। जी जी जी। और एक रात उधर अपने किसी दोस्तों के साथ गया था और प्रीति आई थी मन्नू के भाई के साथ। अच्छा। मैंने अपने दोस्त को बोला ये बहुत सुंदर लड़की है, इधर जरा इसे नंबर नंबर लेता है, कुछ फोन वोन करके लंच डिनर करते हैं। बट उसके बाद तो फिर क्या कहे, अब तो दोस्त बन गए। आई कांट बिलीव यू गॉट देम हियर। अच्छा आप तो मॉडलिंग करती थी? ये एक एडवर्टाइज प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी। सो शी यूज्ड टू कॉल मी फॉर लाइक सिटिंग ऑन द टेबल विद माय बैक शोइंग, सो आई गेट लाइक 5,000 बक्स और लेग मॉडलिंग।
कि यू नो वीकेंडर्स की मॉडलिंग हो रही है, उसमें सिर्फ टांगे चाहिए, ट्रैंक ट्रैंक ट्रैंक. तो देन आई शुड जस्ट कम एंड वॉक देयर. आपके एक दोस्त है, वो आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आप इतना कम क्यों बोलती हैं. हाय याको, हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ आर यू फीलिंग याकी. You know, I want to tell the audience something about you, is that, and even I'm going to tell Farooq bhai, you know, that once you start talking, man, it's like torture. It's like torture, Yaki, so please control yourself on the show. You know I love you, we all love you. And you remember the time you were coming back from Dubai? I got a call from a couple of Emirates air hostesses who fell sick and were put in intensive care because of the overdose of talking. Okay, Yaki, please control yourself. Mwah, love you. आपका एक्सपीरियंस जो है प्रीति जिंटा के साथ काम करने का कैसा रहा था? आई हैव नोन प्रीति बिफोर देन दैट. आई मेट हर ब्रीफली एंड शेखर हैड शोन मी हर स्क्रीन टेस्ट. यस, आई डिडंट टेल यू दिस. एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड द मोमेंट आई सॉ दैट. आई थिंक शी वाज सो स्पॉन्टेनियस. She was this bubbly, bright girl, beautiful face, you know, so it was really nice. Thank you. Abhiriti, aapka tajurba kaisa tha, itni badi star, aapki pehli film? Well, I think when I knew ki main dil se kar rahi hoon, first of all, toh meko ek shock ye lag gaya tha, I was working with Mani Ratnam. Then second shock was I was working with Shah Rukh Khan. Then third was I was working with Manisha. और पहले मुझे इंडस्ट्री ने मैं सबने बोला कि मुझे ये रोल करना नहीं चाहिए क्योंकि मनीषा मुझे खा जाएगी. क्यों इतनी झूठ बोलते हैं लोग? प्रीति और बातें बात करती हैं. देखो ये साहब भी क्या कह रहे हैं. हाय प्री, इफ यू रिमेंबर दिस इज द डे दैट आई पैक्ड अप अर्ली एंड यू आर एक्चुअली राइट अप देयर इन दैट माउंटेन. या स्टिल ट्राइंग टू स्की इन योर 90s एंड योर फ्लोटर्स. वेल एनीवे, आई जस्ट वांट टू से दैट I think you're a great girl and I think that Suzanne and I are very lucky to have you as a friend. I think you carry yourself with a lot of dignity and I respect you for that. I think you're a great actor, a great human being, and keep it up. Have a great show and a fantastic year. Oh my God. Ye Guinness book walon ko main bhejne wala hu uska clip, kyunki duniya ki pehli aurat aisi hai jo skiing karti hai 90s mein. प्रीति की एक बहुत बहुत ही हाईली प्रेज्ड फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिल चाहता है. उससे जुड़े हुए एक साहब हैं फरहान अख्तर और उन्होंने जो है एक पूरी फिल्म तक प्रीति जिंटा को बर्दाश्त किया और उनसे काम लिया. ये कोई मामूली काम थोड़ी था. मैं आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त किया, द लास्ट 5 सीन्स ऑफ द फिल्म शी डिडंट हैव एनी डायलॉग. प्रोग्राम में प्रीति उसका नाम रखा है, प्रीतम सिंह है उसका नाम. भाई तो क्यों ये नाम ऐसा क्यों रखा? वो जो आपकी गोवा की जो स्टोरी है उसमें एक ट्विस्ट था. बीच पे घूम रहे थे, हमारे बीच पे, तो वो फिल्म के डायलॉग थोड़ा हेलो हमारे से दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो गई हमारी बीच पे. अच्छा अच्छा. वॉलीबॉल खेल रहे थे बीच पे या हंक्स के साथ, तो प्रीति तो अभी प्रीतम थी तभी तक, तो पीछे खेल रही थी. हम लोग बोला कि लड़की है तो साइड में लगा देते, उसको कुछ खेलेगी नहीं. तो बॉल तो आया जोर का एक हाथ से जो मारा, सब लोग वो ऐसे ही देख रही है. बाद में एक शॉट के बाद क्या कर लिया, हाथ के हथौड़ा. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.